जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल में जिसका नाम है डिफेंस एनलाइटमेंट। आज की वीडियो का टॉपिक तो आप थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा, व्हाट कैन बी आंसर व्हेन समवन आस्क यू टेल मी अबाउट इंडियन आर्मी। बट उससे पहले जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड पूरी वीडियो का आनंद उठाएं। अगर ये पूरी वीडियो कंटेंट आपको इंग्लिश में चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन आर्मी की स्थापना 1947 में हुई थी तथा 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। इसके पहले प्रमुख रॉबर्ट मैकग्रेगोर लॉकहार्ट थे। भारतीय सेना का मोटो स्वपूर्व सेवा है जिसका इंग्लिश में अनुवादन सर्विस बिफोर सेल्फ होता है। इसका युद्ध बिगुल है भारत माता की जय। भारतीय सेना के तीन हिस्से हैं, फाइटिंग आर्म्स, सपोर्टिंग आर्म्स एंड सर्विस। फाइटिंग आर्म्स के अंतर्गत इन्फेंट्री, आर्मर एंड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री आती है तथा सपोर्टिंग आर्म्स के अंतर्गत आर्टिलरी, इंजीनियर, आर्मी एयर डिफेंस, आर्मी एविएशन कोर तथा सिग्नल आता है। इसी प्रकार सर्विस के अंतर्गत आर्मी सर्विस कोर, आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर, रीमाउंटेड वेटरनियर कोर, द इंटेलिजेंस कोर आते हैं। भारतीय सेना की संरचना कुछ इस प्रकार है। सबसे ऊपर आता है आर्मी हेडक्वार्टर जिसको हेड करते हैं सेना प्रमुख। अभी के सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाने हैं और आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके दो विभाजन हैं, एक ऑपरेशनल कमांड और एक आर्मी ट्रेनिंग कमांड। दोनों को लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर हेड करते हैं। भारतीय सेना में 6 ऑपरेशनल कमांड हैं, ईस्ट में कोलकाता, वेस्ट में चंडी मंदिर, नॉर्थ में उधमपुर, साउथ में पुणे, सेंट्रल में लखनऊ, साउथ वेस्टर्न में जयपुर और ट्रेनिंग कमांड शिमला में है। आर्मी ट्रेनिंग कमांड के दो पार्ट्स हैं, कैटेगरी ए जिसे लेफ्टिनेंट जनरल या मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर हेड करते हैं और कैटेगरी बी जिसे मेजर जनरल या ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर हेड करते हैं। लेट्स बैक टू ऑपरेशन कमांड। इसमें भी दो विभाजन हैं, कोर एंड स्टैटिस्टिकल फॉर्मेशन एरिया। इन दोनों को लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर ही हेड करते हैं। स्टैटिस्टिकल फॉर्मेशन एरिया का एक और विभाजन है जिसे सब एरिया कहा जाता है, जिसे मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर हेड करते हैं। एक कोर 3 से 4 डिवीज़न होते हैं। डिवीज़न को मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर हेड करते हैं और इसमें 3 से 4 ब्रिगेड होते हैं। एक ब्रिगेड को ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर हेड करते हैं जिसमें 3 बटालियन और कुछ सपोर्ट एलिमेंट्स होते हैं। एक बटालियन को कर्नल रैंक के ऑफिसर हेड करते हैं जिसमें 4 राइफल कंपनीज होती है। एक राइफल कंपनीज को लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक के ऑफिसर हेड करते हैं। इसमें 3 प्लेटून होती है। एक प्लेटून को GCO रैंक के ऑफिसर हेड करते हैं जिसमें 3 सेक्शन होते हैं और एक सेक्शन को हवलदार हेड करते हैं जिसमें 10 आर्मी पर्सनल होते हैं। यह आर्मी की सबसे छोटी टुकड़ी होती है। भारतीय सेना में 17 रैंक्स होती हैं। मैं आप सबको नीचे से ऊपर तक यानी असेंडिंग ऑर्डर में बताने वाला हूँ। नीचे से सिपोई, लेंस नायक, नायक, हवलदार, नायब, सूबेदार, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल एंड देन ऑनरी रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। आज तक भारतीय सेना में सिर्फ 2 फील्ड मार्शल की रैंक को प्राप्त किया है, एक सैम मानेकशॉ एंड दूसरे KM करियप्पा। भारतीय सेना में 2 प्रकार के मिसाइल का उपयोग किया जाता है, एक क्रूज मिसाइल तथा दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल के अंतर्गत ब्रह्मोस, प्रहार, निर्भय मिसाइल आते हैं। इसी प्रकार बैलिस्टिक मिसाइल के अंतर्गत पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 तथा अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 आते हैं। भारतीय सेना के प्रमुख बैटल टैंक के नाम हैं अर्जुन मार्क 1, अर्जुन मार्क 1A,
T90 भीष्मा तथा T70 अजय। भारतीय सेना के उपयोग में आने वाले हेलीकॉप्टर के नाम हैं HAL चेतक, HAL चीता, HAL ध्रुव एंड चिनूक। भारतीय सेना द्वारा उपयोग करने वाले गन्स कुछ इस प्रकार हैं। स्मॉल आर्म्स में 9A MM, 1A बरेटा, ग्लॉक 17। SMG में हैकलर एंड कोच MP5, UZI SMG एंड स्टर्लिंग। असॉल्ट राइफल में इंसास AK-203, टेवोर कार्बाइन एंड स्नाइपर में ड्रगनोव तथा IMI गलील। अगर यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर से जरूर करें तथा वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएं। अगर यही जवाब आपका होता तो क्या आपके सामने वाले प्रभावित नहीं होते? ज़रूर होते। अगर आपको किसी भी पॉइंट को पूरे तरीके से समझाना है, जैसे मिसाइल, टैंक्स, गन्स आदि, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं उस पर अपना वीडियो बना सकूं। अगर आपको पैरा कमांडो के बारे में जानना है तो लेफ़्ट में क्लिक करिए, और अगर एयरफोर्स के बारे में जानना है तो राइट पे क्लिक करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।